हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम हैंड्स और फिट को शादियों के लिए या किसी फंक्शन पार्टी के लिए कैसे रेडी करें, कैसे उनको साफ़ सुथरा बनाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा कीजिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है गर्म पानी। तो हमने उतना ही गर्म पानी लेना है कि जितना हमें मतलब हम सह सकें, ठीक है। क्योंकि अगर गर्मियां हैं तो हमें ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले शैम्पू डाल दिया था और डाला है बेकिंग सोडा और विनेगर डाला है एक ढक्कन का करीब, ठीक है। तो उसमें मैंने सॉल्ट और बेकिंग सोडा ले लिया है। तो मैंने इन सबको अब करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने अपने पैर और हाथ दोनों को इसमें डिप कर लेना है कम से कम 5 मिनट तक, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो अभी मैं अच्छे से इसको डिप करके रख रही हूँ अपने पैरों को, ताकि ये क्लीन हो जाए। क्योंकि जो जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं ना, वो सारे हैंड और फिट के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके बेनिफिट हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे हमने क्रीम लगानी है और हमने लगाना है पैक, ठीक है। स्क्रब हमने नहीं करना है इसमें। तो जैसे पहले मैंने बताया था स्क्रब वगैरह कई मैनिक्योर पेडिक्योर्स में, तो इसमें हमने स्क्रब नहीं करना है, जस्ट ओनली हमने ये क्रीम और पैक का मिक्सचर बना के हमने कर लेना है। तो अगर आपके फुट जो है क्लीन है अच्छे से, जैसे मेरे हैं, तो आपने हैंड से ही इसको साफ़ कर लेना है। जैसे कि मैं पहले बताती थी आपको, कोई जैसे वट्टा वगैरह ले लेना है या कुछ है, जहाँ कुछ आपको साफ़ करने वाला आपके पास है तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने ना ऐसे ही साफ़ कर लिए, क्योंकि मेरे क्लीन थे फुट तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैंने सोचा आपको ब्रश का मतलब यूज़ करके दिखा दूँ, तो वो भी मैंने कहा चलो वीडियो में बता देंगे आपको, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। नेल साफ़ करने के लिए मेरे नेल्स भी क्लीन थे, क्योंकि मैं ये सारा करती रहती हूँ वीकली या 1 मंथ में कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। तो इसलिए मेरा साफ़ रहते हैं हैंड वगैरह। तो ये हमारा 5 मिनट हमारे हो चुके थे कंप्लीट। तो इसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया है नॉर्मल वाटर से, ठंडा पानी नहीं लेना है, क्योंकि हमने गर्म कराया था ना काम, तो अभी हमने ठंडा नहीं लेना है पानी। तो अब मैं बनाऊंगी क्रीम। क्रीम के लिए लेंगे एक बाउल पहले, और लेंगे एलमंड ऑयल। तो एलमंड ऑयल ये छोटा सा स्पून जो होता है उतना मैंने लिया है। तो इतना ही मैंने एलोवेरा का जेल लेना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा डला है, क्योंकि डल नहीं रहा था, दोबारा से फिर से डालूँगी। तो ये मैंने इतना ही जितना मैंने ऑयल लिया उतना ही मैंने ले लिया है। दोनों को करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर बना है उसका, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसका। तो हमने इसको कम से कम 10 मिनट तक मसाज करनी है अपने हाथों पैरों में। तो ये इतना अच्छा ये क्रीम सी बनी है ना, ये जल्दी ही अब्सॉर्ब हो जाएगी आपके फुट में, आपके मतलब ड्राई नहीं रहेगी। अगर ये वाली क्रीम अपने फेस पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप नाइट में अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हैंड और फिट के लिए ही है। अगर आपकी ज़्यादा बन गई है तो आप इसको नाइट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं अपने हाथों पे पैरों पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, 10 मिनट तक करनी है इसको, सर्कुलर मोशन में करनी है। और जहाँ पे आप जितना आपने डिप करे हैं पैर उतने पूरी ही करनी है, ठीक है। तो भाई, मसाज तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला ये आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी ज़्यादा बन गई है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, हम ये लिया है मैंने बेसन, पहले ली कटोरी, फिर लिया बेसन 1 चम्मच, और ली कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी हमने लेनी है थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये आप देख ही सकते हो मैंने कितनी ली है। तो 1 ही चम्मच हमने लेना है ये कॉफ़ी का पाउडर। तो ये कॉफ़ी का पाउडर है, अच्छे से दोनों को करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसमें क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये मैंने रोज़ वाटर डाला है इसमें, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने डाल लेना है। तो दो दो चम्मच मेरे कम से कम इसमें पड़ गए थे। तो विनेगर मैंने डाला है वो भी 2 चम्मच। ठीक है, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि इसकी कैसी बनी है। तो मैं बाद में और डाल दूंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक बना है ना, तो दो दो स्पून हमने डालने हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल लूँगी। तो अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है, क्योंकि ये थिक सा पेस्ट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड सा जैसे ये बना हुआ है ना, वैसे ही रहना चाहिए। तो ये रहे मेरे फुट, और जितना भी जैसे सन टर्न वगैरह हुआ हुआ है वो हमारा इससे रिमूव होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम ये वाले प्रोडक्ट तो आप वीकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट वाले कोई भी प्रोडक्ट है वो 1 मंथ में करते हैं या 21 डेज़ में करते हैं, तो ये तो हम वीकली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो भी जो जो एप्लीकेशन है वो हैंड से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। तो आजकल मुझे ना ब्रश से अच्छा लग रहा है, तो मैं ब्रश से ही करने लग गई हूँ। तो आपने मेरी 2-3 वीडियो में देखा होगा, तो है तो ये काफ़ी पुराना है ब्रश, क्योंकि इससे ही मैं पहले भी अप्लाई करती थी। तो मैंने हैंड से इसलिए अप्लाई करना शुरू किया कि कईयों के पास ब्रश वगैरह नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए मैंने हैंड से करना यानी कि फिंगर से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको पूरा अपने फुल लगा लूँगी फुट पे। तो ये देखिए मेरा हो गया है कंप्लीट। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे। तो ये मेरे हैंड पे भी लग चुका है। आपने नेल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें कसूरी हल्दी डाली है ना, तो कहीं नेल्स पे लग गया तो येलो येलो ना हो जाए, तो नेल्स अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ड्राई होने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के बाद मैंने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लिया है। तो भाई रिज़ल्ट तो आपके सामने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।